परसों जब नीतीश जी पटना से चुनावी वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे, तब चिराग पासवान की लोजपा 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लोजपा की संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार के खिलाफ लोजपा के कई नेता काफी हमलावर थे। परसों दिल्ली में लोजपा संसदीय दल की बैठक के बाद चिराग पासवान ने पार्टी के अन्य नेताओं को निर्देश दिया है कि पार्टी 143 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करे। लोजपा के कई नेता तो ये भी बोल रहे हैं कि पार्टी को किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के चेहरे को आगे दिखाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि बाढ़ और कोरोना में सरकार के द्वारा अच्छे काम ना किए जाने से लोगों के अंदर नीतीश कुमार को लेकर काफी गुस्सा है, और अगर लोजपा इनके चेहरे को दिखा के चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। संसदीय दल की इस बैठक में एनडीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि पार्टी नेताओं ने कहा कि एनडीए में बने रहना है या नहीं, इस पर फैसला पार्टी अध्यक्ष ही लेंगे और पार्टी अध्यक्ष के फैसले को पूरी पार्टी मानेगी। अब 243 सीट में से 143 सीट पर ही लोजपा उम्मीदवार क्यों उतारेगी, इसका गणित भी समझ लीजिए। लोजपा 243 सीटों वाली इस विधानसभा में 100 सीट भाजपा के लिए छोड़ रही है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि लोजपा भाजपा से किसी भी सूरत में टकराना नहीं चाहती है। इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है कि भाजपा से टकराने के कारण उसे चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है, और इस बात को चिराग पासवान अच्छे से समझते हैं। वैसे भी लोजपा पहले से ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम और नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर है। ऐसे में अगर भाजपा से भी लोजपा बगावत करेगी तो एनडीए में अकेली पड़ जाएगी, इसलिए चिराग अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब चिराग पासवान केवल दबाव बनाकर ज्यादा सीट लेना चाहते हैं कि हकीकत में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चिराग पासवान जी को यह भी बताना चाहिए कि नीतीश कुमार केवल चुनाव के समय ही इतने बुरे क्यों लगने लगे। अगर वाकई बिहार सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो लोजपा एनडीए से बाहर आकर अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। अगर लोजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती है तो आम जनता ये कैसे मान ले कि लोजपा का ये दाव सिर्फ चुनावी नहीं है। और अगर नीतीश कुमार ने गलत काम किया है तो उसी सरकार की हिस्सा भाजपा कैसे सही हो सकती है, या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री का बाढ़ और कोरोना में कोई दायित्व तो बनता ही नहीं है। वैसे उप मुख्यमंत्री साहब का क्या, पटना में पानी भरेगा तो हाफ पैंट पहनकर यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन सर जिसके पास एक ही घर है वो क्या करेगा। खैर छोड़ते हैं इस बात को, आगे और कब तक चिराग पासवान का जोश बरकरार रहता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं लोजपा के इस कदम से महागठबंधन को हमला करने का एक नया जरिया मिल रहा है। नीतीश कुमार ने अपने वर्चुअल रैली में राजद के 15 साल की तुलना अपने 15 साल से की। वहीं आज राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने बोला कि अगर राजद इतनी ही बुरी थी तो हमारे साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन क्यों किया। नीतीश कुमार को खुले मंच पर बहस का चैलेंज भी तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। राजद ने मांग की है कि लॉकडाउन के समय जिन 10 लाख प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने का दावा नीतीश कुमार कर रहे हैं, अगर ये वाकई में सही है तो नाम के साथ सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर बालिका कांड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था वो भी बताया। आगे कहा कि लोग कोरोना सृजन मामले पर पीआईएल का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कल जब नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे थे तब राजद कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जब नीतीश जी रैली से कब्रिस्तान और मंदिर का जिक्र कर रहे थे तब बिहार का बेरोजगार युवा अपने मोबाइल में डिसलाइक वाला बटन दबा रहा था। अब ये तो पता नहीं है कि वीडियो डिसलाइक करने से चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन ये बेरोजगार युवाओं की मजबूरी बताने के लिए पर्याप्त है। बाकी चुनाव में तो बेरोजगारी और छात्र कोई मुद्दा रहने वाला है ही नहीं। चुनाव को धीरे धीरे सुशांत के साथ साथ कब्रिस्तान और मंदिर की तरफ मोड़ा जा रहा है। कोई सुशांत के नाम का पोस्टर सटवा रहा है तो कोई बेरोजगारों के लिए वेबसाइट बना रहा है। उधर नीतीश जी वर्चुअल रैली में दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारी को खत्म कर दिया गया है। आगे चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आएगा त्यों त्यों जुबानी जंग और बढ़ेगी। आगे लोजपा का खिचड़ी किस शर्त पर पकेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखना होगा कि लोजपा द्वारा नीतीश जी के खिलाफ उठाया गया झंडा केवल चुनावी तो नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे जो जो अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।